इस समय हम मौजूद हैं देवास की थोक सब्जी मंडी में, जहां पर आज हड़ताल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन काफ़ी मात्रा में सब्जी यहां पर आई है और सब्जी के भाव भी बताए जा रहे हैं कि काफ़ी कम हो गए। आप देख सकते हैं यहां पर टमाटर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है और हालांकि ये टमाटर पुराना दिख रहा है, बासी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सब्जियाँ उपलब्ध हैं। भाव पता करने का हम प्रयास करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? टीकम नाम है। टीकम, क्या भाव चल रहे हैं अभी समय? टमाटर 250 रुपये के रेट किलो में। क्या 10 रुपये किलो। और जो बाकी सब्जियाँ उनके क्या रेट है? भिंडी 10 रुपये किलो, गिलकी कद्दू 5 रुपये किलो, गिलकी 10 रुपये किलो, और ये आलू प्याज, आलू 15 रुपये किलो, प्याज 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, और ये जो कटहल बड़ी मात्रा में आए 25 रुपये किलो। तो क्या मानते हैं आप, काफी भाव गिर गए? हाँ गिरा हुआ है ना भाव। अच्छा नया माल आ रहा है कि नहीं? किसान नया माल आ रहा है कि नहीं? अभी हर सब माल आ रहा है, नया माल आ रहा है। लेकिन आपका टमाटर तो काफी पुराना दिख रहा है, बासी दिख रहा है। कल का है। हाँ गाड़ी ताजा ताजी गाड़ी। ये सब देवास का टमाटर है कि कहीं बाहर से आया? संगमनेर का, कोटा कोटा से आता, संगमनेर से आता, नारायण गाँव से आता। भाव इतना एकदम गिर गया, इसका कारण क्या है? ग्राहक कम, भाव ग्राहक कमा रहे हैं ना, माल तो आ रहा है पर ग्राहक कमा रहे हैं। क्या कारण ग्राहक कमाने का? डर की वजह से। अच्छा, हड़ताल के डर के वजह से कुछ आते हैं कुछ नहीं आ रहा है। हड़ताल के एक दिन पहले बहुत सारी मात्रा में यहाँ लोग आए थे, मेला लग गया था और बहुत ज्यादा सब्जी खरीदी थी, क्या उसका डर की वजह से लगा? डर की वजह से लगा था ना, हड़ताल के डर की वजह से दो दिन ज्यादा लगा था। भारतीय सामान लेते हो? हाँ इनसे सामान। आप ही बोलो। नहीं बाबा। क्या नाम है आपका? अंकित बारोड़। क्या असर आपको दिख रहा है यहाँ पे हड़ताल का? सर दो दिन पहले बाजार चल गया यहाँ पर जी। हाँ, और कल से ऐसी स्थिति बन गई कि जो माल आया था वो बिका ही नहीं। किसानों का माल बहुत कम आया है, उसके बाद जो आया वो बिका ही नहीं है माल, उसमें नुकसान व्यापारी का ही है। तो ये जो भाव इस समय आज तो भाव बता रहे हैं बहुत ज्यादा गिर गए हैं। आगे से ही बाजार है ऐसा, और बाजार यहाँ आके गिर गया। तो ग्राहकों का ग्राहक आ रहे हैं यहाँ पर? ग्राहक नहीं आ रहे, कल से नहीं आ रहे। अच्छा हाँ। तो अच्छा किसान कितना प्रतिशत आप रोज मंडी में आते हैं आपको? 40% भी नहीं है किसान तो। अच्छा। 25%। यानी हड़ताल का असर है गाँव से? माल गाँव से माल नहीं आ रहा। ये माल कहाँ से आया हुआ है? ये महाराष्ट्र से। अच्छा, ये राजस्थान। और इसके भाव भी बहुत ज्यादा कम हो गए? इसके वहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम हो गया रेट इसका। हाँ वहाँ से महंगा माल चला है। ये 500 रुपए के रेट की खरीदी है, 400 नहीं बिक रहा है। ये 300 ही खरीदी है, 250 नहीं बिक रहा है। ये मतलब व्यापारियों को घाटा हो रहा है, व्यापारियों को घाटा हो रहा है। ठीक है, तो माल काफी स्टॉक हो गया है मंडी में, लेकिन ग्राहकों का अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि दो दिन पहले इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ से सब्जियाँ खरीदी गई कि अभी सब्जियों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर घाटे से ये टमाटर यहाँ पे बेच रहे हैं जो कि महाराज बाहर से आया है, और गिली सब्जी है तो उसको बेचना एक मजबूरी भी है। हमारे साथ नागदा के किसान हैं जो यहाँ पर पत्ता गोभी लेके आए हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या रेट उनकी पत्ता गोभी बिकी है। क्या 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 नाम है आपका? धर्मेंद्र मोदी। क्या लाए हो आप? पत्ता गोभी। कितनी है इसके अंदर थैली? 15 किलो। क्या भाव मिला आपको? ये 2 रुपए किलो भी नहीं बिक रही है, 2 रुपए किलो समझ लो इसको, 2 रुपए किलो बिक रही है। तो ये हालात है कि मतलब 2 रुपए किलो से भी कम रेट पर यहाँ पर थोक में पत्ता गोभी बिक रही है, लेने वाले लोग बेहद कम है, जिसके कारण ये हालात हो रही है। किसान हालांकि मंडी में जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये पत्ता गोभी जो आपको शहर में 40 रुपए किलो से कम में ठेलों में नहीं मिलती है, यहाँ पर किसानों का हालात ये है कि 2 रुपए भी इसके यहाँ पर ये मिल नहीं रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं किसान परेशान है, जो इतनी मेहनत करता है उसके बावजूद भी इस सब्जी का दाम उसको नहीं मिलता है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। ढाई सौ रुपए